हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है स्मार्ट टाइम में। ज्ञान में ये मेरा ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम है। मैं इसमें एक सेटअप करने की सोच रहा था कि मैं जैसे हर एक कोई बंदा कहीं ना कहीं रहता है, तो वहीं से वो डायरेक्टली अपने हमारे ये प्रोजेक्टर को एक्सेस कर सके और प्रोजेक्ट कर सके, अपना प्रेजेंटेशन को वर्क कर सके। तो मेरे पास ही मैंने एक छोटा सा रिपीटर मंगाया है। ये रिपीटर आप देख सकते हैं, क्या नाम है दोनों पास में, रिपीटर देख सकते हैं, नॉर्मल है। इसका एच डी एम आई कनेक्टर है, ये इसके चार इन है और ये ठीक है, सिलेक्शन करके आप कर सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। जैसे इस हमारी जो मेन जो ऊपर से जो हमारा प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं, हमारा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये जैसे प्रोजेक्ट भी हो भी रहा है साथ में, आपको इसको दिखा दूंगा। और ये उसकी मेन वायर, और मेन वायर भी मेल है और ये इसका भी मेल है, ये दोनों चीज मेल है। आप इधर आके हमें दिखा सकते हैं, पास आके हमें दिखा सकते हैं, देखिए ये दोनों मेल। तो हम इन दोनों मेल को जोड़ने के लिए फीमेल कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत दोनों साइड फीमेल है, ये 40-50 रुपए कनेक्टर आता है और इसकी कॉस्ट रहेगी 550-600 रुपए के। इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल है, अगर नेहरू प्लेस जाएंगे तो 300-400 का मिल जाएंगे। जैसे अब हम क्या करते हैं, पहले इस फीमेल वाले को इसमें कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया। अब इसकी जो मेन वायर है हमारी, तो मेन वायर है उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने मेन वायर भी कनेक्ट कर लिया है, देखिए ये मेन वायर कनेक्ट हो गई है। अब देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स को देख रहे हैं, इस बॉक्स में से ये HDMI केबल की जो वायर लग रही है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये HDMI यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। अब इसकी एक हमने एक वायर कनेक्ट कर रखी जो अंदर बॉक्स के अंदर लगती है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये केबल है, इस केबल को हमें इस पर शोल्डर में लगाना पड़ेगा। आप किसी में भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी में भी लगाइए। आप जैसे मैं इसको पहले में लगाता हूँ, चलो आप मैं बोलो दूसरे में लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं, जिसमें बोलोगे आप मैं उसमें लगा दूंगा। देखिए ये दूसरे में मैंने लगा दिया है। अब इस देखिए ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा नया लैपटॉप है, इसके अंदर एक अलग से HDMI केबल लगी हुई है, ये देख रहे हैं HDMI केबल लगी हुई है। अब मुझे इस HDMI केबल को यहाँ लगाऊंगा मैं, जैसे मैंने इसमें लगा दिया है वो प्रोजेक्ट हो। आप देख सकते हैं जो लैपटॉप पे मेरा दिख रहा है सामने, जो मैं कर रहा हूँ ये नया लैपटॉप है, फिर ओपन ही हुआ है, तो यही प्रोजेक्ट हो रहा है। ये सामने देख सकते हैं, इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4 पीसी प्रेजेंट टाइम में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 पीसी डायरेक्ट सारे आप एक सही नीचे के भी लगा लेंगे तो आपको सिलेक्शन मोड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक सिंगल पोर्ट पे एक लगाते हैं तो कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे देखिए मैं भी अभी प्रोजेक्ट हो रहा है, अब मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, अब इसमें मैं लगा दूं तो भी प्रोजेक्ट हो जाएगा, हो रहा है ना, कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, अभी प्रोजेक्ट हो रहा है। अब जैसे मैं इसको हटा के मैं इसके लास्ट वाले में लगाता हूं, अभी भी देखिए प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब आप किसी में भी लगाएं प्रोजेक्ट हो जाएगा। सिंगल टाइम पे फोटो डिटेक्ट हो जाएगा, पर अगर आप तीनों पे लगा देंगे, तीनों लैपटॉप लगा देंगे, जैसे दोनों लैपटॉप कनेक्ट कर दूं तो मेरे को सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस रिगार्डिंग में सिलेक्ट होगा, बाकी और कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली आप आराम से इजी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास तीन पेयर का है, मुझे यहाँ पे चार की जरूरत है, जो मेरे काम का नहीं है। मैंने आपके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया कि आपके जब कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रूम में अगर आप कंप्यूट करते हैं तो ये भी आपके लिए सफिशियंट है, बजट है, वैल्यू फॉर मनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लाइक करिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को और मैं आपको नई नई चीज़ों को जानकारी दे सकूँ। देखते रहिए स्मार्ट टेक्निकल ज्ञान।